सो गाइस वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ SCCM सीरीज। हालांकि SCCM का कंप्लीट सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, डिप्लॉयमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग SCCM में क्लाइंट इंस्टॉलेशन को लेकर समझने वाले हैं। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन का जो पार्ट होता है MECM प्राइमरी सर्वर के लिए। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन क्या है एग्जैक्टली, जिसमें हम लोग जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको इंश्योर करते हैं रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट एंड क्लाइंट इंस्टॉलेशन अक्रॉस कंप्लीट डिवाइसेस। जो भी हमारे नेटवर्क में मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं उन सभी के लिए जो भी हम लोग डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कॉन्फ़िगर करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन होता कैसे है, अभी मैं यहाँ पर दिखाऊँ। हमारे पास MECM प्राइमरी सर्वर है जिस पर मैं इस समय लॉग इन हूँ। हमारे पास एक DC सर्वर है, क्लाइंट मैंने यहाँ पर विंडोज 10 ले रखा है। ओके, तो मेरे पास ये विंडोज 10 है। सबसे पहले मुझे अपने क्लाइंट सर्वर सॉरी MECM प्राइमरी सर्वर पर आना है और इसको ओपन कर लेना है MECM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को। और अगर मैं यहाँ पर SA10 लाइब्रेरी में दिखाऊं डिवाइसेस के अंदर, तुम्हारे पास डिवाइसेस में क्लाइंट 1 अवेलेबल है, बट क्लाइंट 1 का अभी कोई यहाँ पर देख रहे हो ना इंस्टॉलेशन स्टेटस नो है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आप यहां से राइट क्लिक करके और जस्ट इंस्टॉल क्लाइंट कर सकते हैं, बट स्टिल आपको पहले इसकी साइट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे और साइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सपेंड करेंगे और यहां से आपको आपकी साइट प्राइमरी साइट मिल जाएगा। डोमेन है हमारा pm.sqlive.local और साइट एक्टिव है और हमारा प्राइमरी साइट है। मेक श्योर मैं ये मशीन अपने डोमेन सर्वर से पिंग करके देख लूँ, हमारा डोमेन सर्वर से रिप्लाई आ रहा है ना, क्योंकि दोनों मशीनें आपस में, सभी मशीनें आपस में कनेक्ट होना चाहिए। मैंने काफ़ी दिन बाद अपनी मशीन को लाइव किया इसलिए मैंने चेक किया। जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्लाइंट इंस्टॉलेशन सेटिंग है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन और ऐड कर लेना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर इनेबल ऑटोमेटिक साइड वाइड क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा, सर्वर वर्क स्टेशन एंड अगेन थर्ड ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट करके ऑलवेज इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ऑन डोमेन कंट्रोलर, ये आपको ले लेना है। अलाउ कनेक्शन फॉल बैक टू NTLM, जो भी ये ऑप्शन है इसको भी सिलेक्ट कर लेना है एंड यस कर लेना है। कर्बरोज ऑथेंटिकेशन जैसे काम के लिए ये हेल्प करेगा। बस ये तीनों अप्लाई करने के बाद अकाउंट सेटिंग में आपको आ जाना है, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। न्यू अकाउंट मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ और यूज़र नेम मैं यहाँ से ब्राउज कर लूँगा। अब यूज़र नेम मैंने क्या दिया हुआ था, जस्ट आप यहाँ से देख सकते हो PM User 1, यही मेरा MECM प्राइमरी सर्वर का या इसके लिए यूज़र दिया हुआ था, राइट। तो मैंने PM User 1 दिया, तो जस्ट मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। और अगेन ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट मैं ओके करूँगा। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो भी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा। एंड वेरीफाई पर आने के बाद आप यहाँ पर एक नेटवर्क शेयर पाथ पूछ रहा है, तो जस्ट आप यहाँ से ब्राउज कर लेंगे और आप कोई भी एक डेस्कटॉप मैं ले लेता हूँ एंड डेस्कटॉप पर सिंपल मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँ, लाइक राइट क्लिक करूँ मैं यहाँ पर और न्यू फोल्डर एंड मैं यहाँ पर क्लाइंट पुश इंस्टॉल पाथ ऐसा कुछ सेलेक्ट करके इसी फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और जस्ट एक पाथ आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना IP एड्रेस के साथ भी एक URL चेक कर सकते हो, जैसे /window/100.100.120.88 तो 100.120 पर हमारे पास इतना सारा कुछ शेयर है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर, मैंने अभी एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ। मैं इसको एक बार के लिए क्लोज करता हूँ, यस। और मैंने क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन का सिंपल एक पाथ लिया और इसको शेयरिंग में आकर शेयर एवरीवन के लिए ऐड किया
और रीड राइट का परमिशन देकर मैंने शेयर कर दिया, ये हमारा पाथ सिलेक्ट हो गया, डन कर दिया। एडवांस में आकर शेयर परमिशन करेंगे, अलाउ कर देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे, हमारा शेयरिंग यहाँ पर इनेबल हो गया। ओके कर देंगे, जस्ट क्लोज करेंगे और दोबारा यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपको क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन ओपन हो जाएगा। बस ये वाला पाथ आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप इस फोल्डर को और छोटा करना चाहते हो तो रीनेम कर लेना, जस्ट मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपना जो भी लोकेशन देना चाहते हैं दे लेंगे। नेटवर्क शेयर पाथ है ये, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके कंप्लीट रिमूव किया, लोकेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और उसके बाद जैसे मैंने टेस्ट किया यहाँ पर आप देख सकते हो द कनेक्शन वॉज सक्सेसफुली वेरीफाइड। ओके करेंगे, ओके करेंगे फाइनली एंड अप्लाई करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टीज वगैरह आप एक बार देख लो, कंप्लीट डन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर देंगे, ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिफ्रेश कर सकते हो डैशबोर्ड को एंड डन। अगेन आपको आ जाना है एसेट एंड कंप्लायंसेस पर एंड क्लाइंट के लिए राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल क्लाइंट पर आपको क्लिक करना है एंड इंस्टॉल क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद जस्ट नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद मुझे यहां से इंस्टॉल एंड प्राइमरी साइट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है एंड नेक्स्ट करना है। फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया, क्लोज कर देंगे और उसके बाद डीबी सर्वर के लिए भी मैं कर सकता हूं, बट इस पर मुझे अभी मशीन लाइव नहीं है। डीसी वन मेरा लाइव है जो कि इस पर भी मैं सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, अगेन मैं सेम प्रोसेस सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दूंगा, क्लोज कर देना है। पीएम जो प्राइमरी साइट है ये वाला मशीन है, राइट क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन क्लोज। इतना करने के बाद जैसे ही आप इसको स्टेटस वगैरह को चेक करेंगे एंड डन करेंगे, आपका यहाँ पर इंस्टॉलेशन सक्सीड हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर स्टेटस और ये सारी चीज़ें हैं, इट विल टेक टाइम एंड ऑटोमेटिक ये हमारा प्रोसेस इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस, थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर स्टेटस मिला क्लाइंट का यस, और डीसी वन का अभी नो है, पीएम यूज़र का वन है और ये सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन वर्क कर रहा है। डीसी वन भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, डोंट वरी। पीएम वन पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो अवेलेबल है, क्लाइंट पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइक जैसे आपका स्टार्ट के अंदर है, और स्टार्ट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल का, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का है। तो अगर मैं रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट सिलेक्ट करता हूँ और पीएम यूज़र वन ये हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और मैंने यहाँ से इसको क्रेडेंशियल देकर जैसे ही ओके बटन पर मैंने क्लिक किया, हमारा क्लाइंट वन जो है मशीन ये एक्सेस हो रहा है, आप इधर देख सकते हो, ये मशीन जो हमारा क्लाइंट वन है और पीएम यूजर वन दे रहा है अनदर यूजर इज साइंड इन, कह रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है उस पर अनदर यूजर साइन इन है, आप उसको चेंज करना चाहते, इफ यू कंटिन्यू दे विल बी डिसकनेक्टेड, डू यू वॉन्ट टू साइन इन एनी वे। तो यहाँ पर अभी हमारा जो करंट यूजर है, मैं इसको पहले वहां पे क्रेडेंशियल में दे सकता था जो कि यूजर वन है, बट मैंने पीएम यूजर वन दिया, बट ये कह रहा है कि क्या आप ऑटोमेटिक ये सारा लॉग इन करवाना चाहते हैं, यस कर दो आप। और ये यूजर वन को यहाँ से देखो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अब आप इधर आकर चेक करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, डू यू वॉन्ट टू अलाउ सीकोलाइफ स्लैश पीएम यूजर वन टू कनेक्ट टू दिस मशीन, तो ये प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है। एंड देन अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यू कैन क्लिक ऑन ओके बटन, ओके क्लिक करते ही आप यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि मैं रिमोटली ऑलरेडी इसको एक्सेस कर रखा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीएम यूजर वन हमारा लॉगिन होने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। ओके आप देख सकते हो क्लाइंट हमारा विंडोज 10 इधर लॉगिन हो गया। मैं सेम प्रोसेस आपको दिखा देता हूं, जैसे यहां पर देखो विंडोज आर पीएम यूजर वन के बिहाफ पर ये लॉगिन कर रहा है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप यूजर वन के बिहाफ पर लॉगिन कर सकते हो या जैसा भी चाहिए, क्योंकि यूजर वन क्लाइंट पीएम यूजर वन और हमारा जो एडमिन हमारा मेन सर्वर का है, इन सभी को मैंने डोमेन एडमिन का मेंबर बना रखा है, तो कोई इशू नहीं है। और जैसे ही मैं यहां से लॉगिन करूंगा अपने क्लाइंट मशीन पर, दोबारा जैसे ही मैं लॉगिन एक्सेस करूंगा,
आप देख सकते हो यस करना है, यूजर वन के बिहाफ पर ये लॉग इन कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओके करना है एंड फाइनली आप इधर लॉग इन कर पाएंगे। ओके, इधर आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप इधर कनेक्शन में अलाउ करेंगे, ओके करना है, और आप देख सकते हो उधर का कनेक्शन हमारा लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर कंट्रोल हमारे MECM प्राइमरी सर्वर से होता है। ये सारा कुछ करने के लिए ही हम लोगों ने MECM प्राइमरी सर्वर इंस्टॉलेशन और सारी चीजें देखा। अभी करंट यूजर अगर मैं लॉग इन दिखाऊं तो यहाँ पर यूजर वन है, और ये प्रॉपर स्टेप है। आप यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हो, डीसी भी हमारा यस हो गया, क्लाइंट भी हमारा यस हो गया, पीएम भी हमारा यस हो गया। सो एक पर्टिकुलर थोड़े समय तक आप वेट करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो यस हो जाएगा, क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन का एंड वर्किंग हो जाएगा। और थोड़ी देर और आपने अगर वेट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका ये ग्रीन चेक का मतलब कि आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सक्सीड प्रॉपर तरीके से हो चुका है। क्लाइंट पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अभी ग्रीन हो चुका है, यस पहले हुआ देन ग्रीन हुआ। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप क्लाइंट सर्वर पर आ जाएंगे, और क्लाइंट सर्वर पर आने के बाद सॉरी क्लाइंट मशीन पर आने के बाद आप माई कंप्यूटर ओपन करें, दिस पीसी में आ जाएं, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, और सीसीएम, सीसीएम कैश और सीसीएम सेटअप, ये सब आप ओपन करके देख सकते हो। आपका कंप्लीट इंस्टॉलेशन फाइल सारी चीज़ें इधर है, एंड आप यहाँ से लॉग्स वगैरह भी देख सकते हो, है ना, जो भी सारी चीज़ें हैं लॉग वगैरह में। और लॉग वगैरह में 01 एरर कोड और इन सारी चीज़ों को आप जानते हो, 0 का मतलब है सक्सीड हो गया, है ना, प्रॉपर तरीके से। एंड बस उसके बाद मैं जस्ट यहाँ से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद जस्ट अगेन मैं बैक करता हूँ, और कैश वगैरह के अंदर कोई अपडेट नहीं है अभी, और सीसीएम के अंदर जस्ट यहाँ पर कोई अपडेट मल्टीपल अपडेट है। तो ये जस्ट एक हिंट है जिसके थ्रू आप कंफर्म कर सकते हो। अगेन आप क्या क्या चीजें यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो उसके लिए आप यहाँ से कंट्रोल पैनल पर आ जाएंगे, और यहाँ से जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड मुझे यहाँ पर सर्च करना है लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप pm.sqlive.local के साथ असाइंड है मैनेजमेंट एंड पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, क्लाइंट सेल्फ साइंड है सर्टिफिकेट के लिए अगर देखा जाए, तो ये सब कुछ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, एंड रेस्ट आप देख सकते हो क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पर इंस्टॉल और इनेबल है, ये सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर हमारा वर्किंग है। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रॉपर यहाँ पर वर्क कर रहा है, एंड डिस्कवरी डेटा कलेक्टिव साइट और कलेक्शन साइकिल एंड फाइल एलोकेशन साइकिल, तो सब कुछ यहाँ पर ओके है। साइट हमारा प्राइमरी साइट वन था तो वो चीज़ यहाँ पर सिलेक्टेड है, एंड रेस्ट यहाँ पर कुछ और ऑप्शन नहीं देखना है, जस्ट ये सारी चीज़ें थी। तो जस्ट अ कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए हैं तो, और लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।